ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, अपने बनाए हुए इस पिंजरे से बाहर निकल कर देख, अपने आप में आप एक सिकंदर है। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने एप्लीकेशन मिसल क्लासेस में। मेरे प्यारे, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से आज एग्जाम देकर घर लौट रहे होंगे, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि जिस तरह से एक इंसान को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक मेरे प्यारे फाइनल एग्जाम के लिए आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम अगर नहीं दे रहे, तो आपको बाद में पता चलेगा कि ब्लूप्रिंट का एग्जाम कितना महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आप लोग एग्जाम देकर निकले, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि कितना क्वेश्चन आप सही करके आए हैं और कितना क्वेश्चन रॉन्ग करके आए हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं, और साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा ना कि आज आप लोग जो एग्जाम देकर घर लौटे हैं क्लास 11, याद रखिएगा मेरे प्यारे, क्लास 11 हिस्ट्री का जो आप लोग पेपर देकर निकले, इसमें दो क्वेश्चन ऐसा था जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में एरर था, गलती था। आज मैं आप लोगों को फाइनली सारा का सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरे प्यारे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में आया था क्या कि सर फाइव किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन आया था अर्ल या ड्यूक कौन था। देखिए ये सब क्वेश्चन तो आपके पेपर में दो दो मार्क्स का पूछा गया था। कितना मार्क्स का सर? दो दो मार्क्स का। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों का एग्जाम जो है ना फुल्ली तो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन ब्लूप्रिंट का एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव में क्यों आ रहा है। मेरे प्यारे आप समझ सकते हैं कि आप लोगों का पूरा एग्जाम जो है क्लास 11 का ऑब्जेक्टिव बेस होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का सब्जेक्टिव का एग्जाम क्यों लिया जा रहा है ये जैक बोर्ड अभी तक क्लियर नहीं किया है, लेकिन कर देना चाहिए क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है कि ऑब्जेक्टिव आएगी या सब्जेक्टिव या दोनों आएगा, क्लियर कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक जैक बोर्ड ने आप लोगों को क्लियर नहीं किया है। ये बहुत बड़ी गलती है जैक बोर्ड का। मैं बात करूं मेरे प्यारे, याद रखें फाइव किसे कहते हैं और आर या डू यू कौन था, इनका आंसर आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी जस्ट देकर आप लोग निकल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन सर, कि समांतवाद से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का पूछा गया था, और एक क्वेश्चन था आप लोगों के पेपर में शार्लमैन को स्वर्ण मुकुट पहनकर पवित्र रोम साम्राज्य का शासक किसने नियुक्त किया था। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 3, 3, 6 और 4, 10 मार्क्स का इधर हुआ है, और आप लोगों का 5 मार्क्स का दो क्वेश्चन पूछा गया है। मध्यकालीन मठों का कार्य क्या कार्य था, यह आपके पेपर में 5 मार्क्स का पूछा गया था, और एक क्वेश्चन था फ्रांस के प्रारंभिक समांतवादी समाज के 2 लक्षणों का वर्णन करें, यह भी आपके पेपर में 5 मार्क्स का आपसे पूछे गए हैं। यानी आप लोग बोल सकते हैं सर हम लोगों का उधर हो गया सर 5, 5, 10 और यहाँ पे हम लोगों ने 10 मार्क्स का किया, यानी टोटल आप लोगों का 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ था। सर हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन आया था, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में कि बड़े समांत के घर को क्या कहा जाता था। देखिए मेरे प्यारे, अगर आप लोग ब्लूप्रिंट याद रखें, BP मतलब होता है ब्लूप्रिंट, ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं है, BP का मतलब होता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का जो एग्जाम हो रहा है ना, इसी बेस में भी आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगी, इसलिए मेरे प्यारे आप लोग अटेंड करना बोले, जिस दिन आप लोगों का एग्जाम होगी ना, घर द्वार छोड़कर आप लोग कॉलेज किसी भी हाल में पहुंच जाना है, रेंगते हुए दौड़ते हुए हाँपते हुए कांपते हुए पहुंच जाना है, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि बड़े समांत के घर को क्या कहा जाता था, तो बोलेंगे सर मैनर हाउस। क्या बोलते सर? मैनर हाउस, लेकिन आपका ऑप्शन में सिर्फ मैनर ही था, तो आपको मैनर ही क्लिक करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था सर, क्वेश्चन नंबर 2 में रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, जो रोम साम्राज्य है इसकी मुख्य भाषा क्या थी, अंग्रेजी, लैटिन, संस्कृति या उर्दू। ये क्वेश्चन मुझे पूरा याद है मेरे प्यारे, 2022 के पेपर में पूछा गया, तो बोलेंगे सर लैटिन। क्या हो जाएगी? लैटिन ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3 में जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था। देखिए आपके सामने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस और स्पेन है, लेकिन किस देश का, सिर्फ एक ही इसमें देश है जिसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा फ्रांस। फ्रांस का ही निर्माण किया था फ्रैंक जनजाति ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जस्ट आंसर की देखने के लिए, ब्लूप्रिंट का एग्जाम क्वेश्चन पाने के लिए बिल्कुल आप लोग इस छोटा सा परिवार के साथ जुड़े रहे, क्योंकि एग्जाम से पहले भी आप लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता हूं हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, ग्रिगोरी को। क्या बोलेंगे? ग्रिगोरी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रांतों के प्रमुख धर्माधिकार क्या कहलाते थे। देखिए मेरे प्यारे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का जब आप देखिएगा सही से आंसर इसका नहीं मिल रहा होगा, आप गूगल में भी सर्च करेंगे कि प्रांतों के प्रमुख धर्माधिकार क्या कहलाते थे, तो इस चारों में से ना कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगी वहां पे। ठीक है,
तो लेकिन आपको तो चारों में से किसी एक को क्लिक करना है, और वो आप बेहतर जानते होंगे आप कौन से ऑप्शन को क्लिक करके आए थे। ठीक, इसी तरह से और एक क्वेश्चन गलत था मेरे प्यारे, मैं वो भी बताने वाला हूँ, जस्ट वेट कीजिए आप लोग। सामंतवाद पर सबसे पहले किस ईसाई इतिहासकार ने काम किया था, सबसे पहले किसमें काम किया था? देखिए ये ऑप्शन तो सही है मेरे प्यारे, मार्क ब्लॉक, लेकिन इसका नाम सही नहीं है, मार्क ब्लॉच होगा ना, क्या होगा? मार्क ब्लॉच, याद रखिएगा, मार्च ब्लॉक नहीं बल्कि ब्लॉच होगा, यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा बल्कि ब्लॉच होगा, लेकिन इस तरह से अगर देखा जाए मिसप्रिंट होगा टेक्निकल में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? इन चारों का चारों ऑप्शन गलत है। मार्टिन लूथर का जन्म, याद रखिएगा मेरे प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं, मार्टिन लूथर का जन्म, याद रखिएगा, जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे? जर्मनी में। लेकिन आपसे तो वहां पे पूछा गया, देखिए मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था, और यहाँ पे आपका लिखा रहता कब हुआ था, तब ना हम लोग ये सब आंसर करते हैं। बुझल पा रहे हो? अरे तो नहीं अमर बतवा, यहाँ पे लिखा रहता कि कब हुआ था तब हम लोग ये सब ऑप्शन देखते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया कहाँ हुआ था तो बोलेंगे जर्मनी में। लेकिन कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कब हुआ था? याद रखिएगा चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे 10 नवंबर, याद रखिए 10 नवंबर, और उसके बाद 1485, याद रखिएगा 1485 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो बोलेंगे सर जर्मनी में। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में, मार्टिन लूथर का। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, फाइनल एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फाइव क्या है? फाइव एक प्रकार का जागीर लैंड है, भूमि है। ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे सर? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जर्मनी किस महादेश में स्थित है? तो बोलेंगे सर मध्य यूरोप में स्थित है, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ यूरोप है, तो आपको यूरोप ही क्लिक करना है। आप लोग बताएंगे सर 10 क्वेश्चन में से आप कितना सही करके आए हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं, आपके परसेंटेज कितना आ रहा है, ये भी आप लोग चेकअप कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं आप एग्जाम में, मान रहता हूँ कि आप 10 में से 9 क्वेश्चन सही करके, 9 गुना 18 नंबर आएगा, तो 18 में आप लोग जब इसको काउंट करेंगे मेरे प्यारे, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन का आप लोग परसेंटेज इजीली से यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं। और इन फ्रेज ऑफ फॉली पुस्तक के लेखक कौन है? तो बोलेंगे सर इरामस, याद रखिए इरामस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आज आप लोगों को जो मैं अभी क्लास में बताया, डिस्ट्रेंट आज का जो क्लासेस है, ये 28 अक्टूबर जो अभी आप लोग जस्ट एग्जाम देकर निकले, इसका मैं कितना सही करके आए हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना तैयारी हो चुका है या कितना तैयारी आप करने की और जरूरत है। मिलते हैं नया वीडियो में।